हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मेरे सिर में ना तेल लगा है, कल रात को लगाया था, इसलिए थोड़ा चिपकू चिपकू है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं और बेटे को जा रही मैं उठाने। मैं तो उठ गई और रोटी बना दी, पोहा गरम है, पोहा बना दिया है। तो अब जा रही उसे उठाने, उसे रेडी करने, नहलाने, चाट मसाला डालना था नीरे में, और आधे घंटे में 6:30 बज रहा है। पूरा बजा नहीं है, 6:25 सो रहा है। तो अभी ये सो रहा है, इसको उठाऊंगी, ब्रश कराऊंगी, नहलाऊंगी, रेडी कराऊंगी। बच्चे इटू उठो बेटा, उठो उठो उठो, स्कूल जाना है, आ जा, कम आ जा। आलस आ रहा है? देखो, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोल दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आलस आ रहा है। चलो 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 चलो, पानी भर दिया है, वजह से बारिश आएगी। मौसम देखिए फ्रेंड्स, बारिश आने की संभावना है। उठ बेटा, चलो 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 तो चल। अब बच्चे हैं, आलस तो आती है, टाइम से तो सोना होता नहीं है। हमारे यहाँ 12 तो बजता ही बजता है। हमारे बच्चे लोग भी ना 11:30-12 बजे तक, 12:30 तक ऐसे ही मतलब तहलका मचाते रहते हैं रात को। और अभी जब से स्कूल का हो गया का, तो कोशिश तो करती हूँ जल्दी सुलाने की, 10:30-11 बजे तक सुला दूँ, लेकिन कभी कभी सो जाते हैं, कभी कभी नहीं, कोई भी टाइम टेबल नहीं है। तो यहाँ इसको मैंने रेडी कर दिया है, अब बस इसको स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के अभी से इसका लंच तो मैंने बना ही दिया है। और आज मेरा है व्रत, तो ये जाए अभी सोने के लिए स्कूल में, तो कल से है, कल से जाएगी स्कूल। अभी छोड़ के आई फ्रेंड्स अपने बेटे को, पूछा सफाई। और आज मेरा व्रत है शीतला सप्तमी का फ्रेंड, इसलिए आज जल्दी जल्दी काम भी करूँगी, पूजा भी करना है। बना दिया उनको भी, खा ली गया, वैसे भी कोई सब्जी नहीं है, क्या बना। चलो काम है,
तो बेटा तो चला गया स्कूल। अब तुरंत जाने के बाद तो झाड़ू नहीं लगाते हैं हम लोग के यहाँ। ऐसा होता है कि जब घर से कोई बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते हैं। कुछ देर मैंने कुछ दूसरा ही काम किया था, बेटी को ब्रश कराना, उसको नाश्ता कराना, उसके बाद अभी लगी हुई झाड़ू पोछा में। बेटी मेरी देख रही है टीवी, इसका तो अभी स्कूल ओपन हुआ नहीं। हस्बैंड भी गए हैं किसी काम से बाहर, जैसे ही बेटे को छोड़ने गए वैसे ही उधर से उधर चले गए, तो बोले कि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा जब तक अभी क्या करूँ मैं, झाड़ू कुछ नहीं लगाया तो लग नहीं जाता, मैं क्या करूँ। हाँ जाओ पापा लगा देंगे, आपको तो पापा ही प्यारे हैं। पापा चले इसका चैनल लगाने, देखती हूँ लगा पाते हैं कि नहीं। यूट्यूब मैं, मेरे काम हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया, बेटी को भी नहला दी, नहा के टीवी देख रही है, नाश्ता नहीं करना है, दूध नहीं पीना है। बबल बबल सुबह सुबह बबल सुबह सुबह बबल। अभी देखो गाइस बच गए हैं 9। झाड़ू पोछा करने में भी टाइम लगा, बिस्तर विस्तर साफ की, फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ सीधे रेडी हो के, फिर आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। बाय, राधे राधे। तो मैं हो गई हूँ फ्रेंड्स पूरी तरह रेडी, और बस मुझे पूजा करना है। टाइम भी हो गया है बहुत ज़्यादा, और नहाई तो मैं बहुत जल्दी थी, कुछ लग गया एक्चुअली सब नेल पेंट करने में। तो अभी जा रही हूँ, सारी तैयारी कर लिया, बस मुझे बैठ के पूजा करना है, ठीक है। तो कुछ सुनेंगे नहीं मेरे हस्बैंड, देखो फूल कितना सारा ले आए हैं। आवाज़ की आज मैं इतना सारा फूल चढ़ा दूँगी, कभी कभी कुछ अच्छा काम कर जाते हैं। तो अभी देखा आपने मेरी बेटी कितनी सारी बातें करती है, इतनी छोटी है लेकिन बातें तो ऐसी ऐसी करती है कि बड़ों को भी फेल कर दे। तो मेरी तो यहाँ पे हो गई है पूजा, और अभी मुझे जाना है नीम के पेड़ पे पूजा करने, जल वहाँ पे जल डालना है, जल चढ़ाना है, डालना नहीं बोलते हैं। तो साथ में मेरी बेटी भी, उसको भी मैंने नहला दिया, उसे भी रेडी कर दिया, और मैं भी रेडी हो गई। अब बस पूजा ही करना है, फिर बेटे को लाने जाना है, ये दो काम मेरा हो गया। पूजा तो मतलब हो ही गया है, तो बस उसको लाने जाना है। और यहाँ देखिए जल में मैं डाल रही हूँ गुड़ और घी, तो ये दोनों चीज़ें मस्ट है डालने के लिए। अब मैं आ गई हूँ,
क्या तो आ गए गाइस यहाँ नीचे पूजा करने नीम के पेड़ पे। मेरी बेटी पहली पहुँच गई चप्पल पहन के। स्लीपर निकालो। पूजा हो गई। फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया मेरे बेटे का लाने का, स्कूल से जा रही हूँ लाने। और अभी तक मैंने चाय नहीं पिया, बस चाय बना दिया है, सब कुछ रेडी कर दिया है और आऊँगी तो फिर पीऊँगी। यहाँ पे देखिए देखिएगा मैंने भून बन के रख लिया, चाय भी बना लिया है, अब आने के बाद ही पीऊँगी। फ्रेंड्स आज मैं पहली बार आ रही हूँ मैं साड़ी में स्कूल बेटे के। आज तक मैं कभी आज तक मैं कभी भी दोनों बच्चों के स्कूल में साड़ी पहन के नहीं गई हूँ और आज मजबूरी है मुझे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पूजा किया, पूजा करने के तुरंत बाद चेंज नहीं करते कपड़े, साड़ी नहीं करते चेंज, तो इसलिए आज मैं साड़ी में ही जा रही हूँ। आज मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा रिकॉर्ड। तो फ्रेंड 12 बजने वाले, देख लीजिए 12 बजने वाले हैं और अभी तक सिर्फ मैंने थोड़ा पानी पिया है, चाय नहीं पिया है, आके पीऊँगी, सिंदूर भी इसमें लग जाएगा। बेटी को भी आज ले जा रही हूँ, चलो लगे झुलाओ, झुलाती हूँ। अच्छी बात है, अभी मैंने चाय नहीं पिया है, शाम को आना बेटा,
शाम को आना। फ्रेंड्स अभी मैंने चाय भी नहीं पिया और बच्चे देखो ना झूला झूलना कर रहे हैं। गुस्सा हो गई वो, मेरा सिंदूर भी लग गया। तो बेटे को लेके आ गई फ्रेंड, बेटे को खाना भी दे दी, खाना बनाया था इन लोगों के लिए, हल्का फुल्का ही बनाया था। तो ये दोनों खा लिए, अब मैं आराम से अपना चाय पी रही हूँ और मखाने और सिंगदाने साथ में खा रही हूँ। थोड़ा मुझे एनर्जी रहेगी, राहत रहेगी। फिर ज़्यादा मैं कुछ खाती नहीं, मैं चाय के साथ ये खा लेती हूँ ना, फ्रूट्स वगैरह खाती भी नहीं, सीधे रात को खाती हूँ केला या फिर साबूदाना ऐसा कुछ बना लेती हूँ। अगर केला होता तो केला ही खा लेती हूँ दूध के साथ, बाकी तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ। करती हूँ एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके आना। जो भी नए हो हमारे चैनल पे, जो नए आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ तो कमेंट्स कर दिया करो। फ्रेंड्स हर वीडियो में बोलती हूँ पर कोई कमेंट नहीं करता, ना ही लाइक करता है। देखते तो हैं बट लाइक करने में जाता ही क्या है, ना तो नुकसान होता है किसी का, बल्कि आप करोगे तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा, बट आपका करने में तो कुछ नहीं जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय। किट्टू स्कूल से आया, उसको लेके आई, खाना बना खिलाया, उसको होमवर्क कराया, और थोड़ी देर चलो रेस्ट करूँ, शाम को फिर उसको ट्यूशन भी ले जाना है। तो बाय बाय। काजल वाजल देखिए फैल गया।